नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 5th of January 2024 और करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्या आसाम के इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। जी हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने रिसेंटली बोला है दैट यस, आसाम ने रिसीव किया है एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन द ईयर 2023 एंड ये इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, 11,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला है इसका मेन क्रेडिट जाता है हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा दैट रिसेंटली 2023 में इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ असम अमेंडमेंट 2023 लाया गया था और कहा गया है दैट हमारे जो स्टेट है असम का इंडस्ट्रियल एंड लैंडस्केप जो है ना, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है जब से इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ असम 2023 को लाया गया है। इसके तहत कस्टमाइज्ड इंसेंटिवाइजेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स। नाउ मेगा प्रोजेक्ट्स मतलब अगर आप बाहर से अपना बिजनेस को असम में लाना चाहते हो ना, और आपका बिजनेस छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा होना चाहिए ना। ये कितना बड़ा, इसका क्या मापदंड है, क्या पैरामीटर है बड़ा होने का? पैरामीटर है अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 100 करोड़ का हो और उस इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट 200 लोगों को परमानेंट अगर जॉब मिले आसाम से, तब हम उसको बहुत मेगा प्रोजेक्ट मानेंगे, राइट? तो इस टाइप के अगर आपके इन्वेस्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं तो यस, उसमें हम आपको कुछ इंसेंटिवाइजेशंस प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ असम गवर्नमेंट, राइट? तो ये किस पॉलिसी में लाया गया था? इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ असम अमेंडमेंट ऑफ 2023, राइट? और इसका मेन एम यही था दैट असम को हम लोग को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, और इसके तहत ऑफर किया गया था कस्टमाइज्ड इंसेंटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, जो कि हम लोगों ने पहले ही बोला, जो कि 100 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए और 200 परमानेंट इंप्लॉइज को लेना पड़ेगा। और वो इंप्लॉइज किस सेक्टर में, क्या स्किल्ड या नॉन स्किल्ड? देखो, ऑल नॉन स्किल्ड ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 4 एम्प्लॉयमेंट जो है, और वो होने चाहिए विद इन द स्टेट ओनली। अच्छा, सवाल होता है दैट ये सबसे बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है असम गवर्नमेंट को? देखो, बेनिफिट्स में yes, it will increase the employment and economic growth in Assam. It will increase the human resource development in Assam. It will make sure that backward area जो असम में है वो बहुत ज़्यादा develop करे. It will make sure that finance and technologies भी असम में आए, of course, as a region whole develop करे. यही नहीं, region से export भी develop हो, overall region में capital flow भी आए. एक जो हमारा देश का जो मार्केट जो कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में असम भी जिससे सस्टेन कर सके, और ओवरऑल जिससे असम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिम्यूलेट हो सके, राइट? नेक्स्ट हम लोग लाइनमेंट का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बाबल मंडप स्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो बात करते हैं जनरल, स्ट्रेट होता क्या है? देखो, ये ज्योग्राफी का एक टर्म है स्ट्रेट। जब भी कोई भी लैंड मास और ओशन के बीच का ये टर्म है, बेसिकली ये क्या होता है ना, जब कभी भी कोई एक ऐसा नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी जो क्या दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, जैसे सोचो ये वाला स्ट्रेट दिख रहा है, ये बड़ा सा रेड सी और ये बड़ा सा इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली देखो, ये एक छोटा सा ओशन का पैसेज है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, बड़ा सा पर्शियन गल्फ को और बड़ा सा इंडियन ओशन को, राइट? तो ये क्या है, एक नैरो वाटर पैसेज जो क्या कनेक्ट कर रहा है दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को, और दो सिचुएटेड किसके बीच में है, दो बड़े बड़े लैंड मासेस के बीच में। इस टाइप के जोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। अभी कौन सा स्ट्रेट न्यूज में है, बाबल मंडप स्ट्रेट। बाबल मंडप स्ट्रेट कौन सा किस किस के बीच में है, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में, दिस इज कॉल्ड बाबल मंडप स्ट्रेट। बाबल मंडप स्ट्रेट कौन से बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, एक है रेड सी और एक है गल्फ ऑफ एडन जो क्या पार्ट है हमारा अरेबियन सी का, ठीक है ना? तो वही बोला गया है दैट स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप जो है ये अपने आप में क्रूशियल मैरिटाइम चोक पॉइंट है, जो क्या ऑफकोर्स इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है विद द रेड सी। अच्छा, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि एक बाबल मंडप स्ट्रेट से एक कार्गो शिप गुजर रही थी, तो वहां पे कुछ एक्सप्लोजन रिपोर्ट किए गए थे,
और ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड किंगडम्स के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के द्वारा ये का रिपोर्ट है। और ये शिप जो है ट्रैवल कर रहा था बिटवीन द कोस्ट ऑफ एरिट्रिया एंड यमन, एरिट्रिया और यमन इस वाले लोकेशन में ये शिप था और यहीं पर धमाका हुआ था, है ना, इसीलिए न्यूज़ में है। नाउ स्ट्रेट्स, अभी हम लोग मेन चीज़ देख रहे हैं ये ज्योग्राफी का फीचर स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके इसमें इन्वॉल्व है, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, इरोजन और सबमर्जन ऑफ लैंड, ये सब सारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व है जिसके कारण हमें स्ट्रेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखता है। वेरियस स्ट्रेट जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस, मलाका स्ट्रेट, बाबल मंडप स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल, ताइवान स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, ये दीज आर ऑल द स्ट्रेट्स, मेजर स्ट्रेट्स विच ऑफन कम्स इन योर पेपर एग्जाम एज वेल। सो वॉट यू कैन डू इज लाइक यू कैन गो थ्रू ऑल दीज स्ट्रेट्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केस के रिलेटेड कुछ कानून में संशोधन हुए हैं, कुछ कानून में चेंजेस लाए गए हैं और ये एक ऐसे चेंजेस हैं जिसके कारण पूरा देश रास्ते में आ गया है। जी हाँ, जिसके कारण पूरे देश में जो ट्रक्स के यूनियंस हैं वो सब कोई रास्ते में आ गए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रक्स, बसेस और टैंकर्स के जो ड्राइवर्स हैं अक्रॉस इंडिया, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यूली इम्प्लीमेंटेड भारतीय न्याय संहिता। और ये की प्रोटेस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हिट एंड रन केसेस। हिट एंड रन केस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी गाड़ी चल रहा है तो एक अगर आदमी को या फिर इंसान को ठोक दिया ना, मतलब इन द सेंस दैट एक्सीडेंट करके भाग गया, रुकेगा नहीं, भाग जाता है, उसको कहते हैं हिट एंड रन केसेस, राइट। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे पर्सन इन्वॉल्व इन अ रोड एक्सीडेंट लीव्स द सीन विदाउट स्टॉपिंग, है ना, क्योंकि इसको गाड़ी वाले को भी डर है दैट अगर मैं रुक गया तो वहाँ की पब्लिक मुझे कुट कुट के मार देगी या फिर पुलिस आके मेरे को पकड़ लेगी, राइट। तो बिना स्टॉप किए हुए मैं भाग जाऊँगा, है ना। तो ये और जो पार्टी को नुकसान हुआ इस ये तो बेचारा तड़प रहा है दर्द के मारे, इसको कौन बचा रहा है? कोई नहीं, राइट। तो वही बोला इंजर्ड पार्टीज जो है उसको कोई असिस्टेंस ही नहीं मिलता है और जो जिसको हिट करके भागना होता है वो भाग जाता है, राइट। नाउ वाई आर भारतीय न्याय संहिता प्रोविजन फॉर हिट एंड रन केस, क्या है भारतीय न्याय संहिता में जो प्रोविजन है हिट एंड रन केसेस का वो क्या है? देखो भारतीय न्याय संहिता, ये आपको पता होगा रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज में भी डिस्कस किया था दैट कॉलोनियल एरा जो कानून है उन सबको हम लोगों ने चेंज किया, जैसे IPC CRPC। तो IPC का जो नाम है ना उसी को नाम को चेंज करके रखा गया है एज भारतीय न्याय संहिता, राइट। नाउ ये इम्पोज करता है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, इन रेगुलेशंस में है 10 या 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 लाख तक का फाइन अंडर सेक्शन 106 ऑफ द एक्ट। और किसके लिए फाइन लगेगा? ड्राइवर्स के लिए जो कि सीरियस एक्सीडेंट्स को कॉज कर रहे हैं। नाउ द इंक्रीज इन सेंटेंस ड्यूरेशन टू 10 ईयर्स, ये जो आप 7 साल मतलब है तो, बट ये क्या है ना दैट सेंटेंस जो है वो 10 साल तक का दिया गया है, मतलब आपको जेल में रखा जा सकता है। एंड वो भी क्या, ये ऐसे वैसे नहीं ये कानून बना है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस के बाद बना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था दैट एक स्ट्रिक्टर स्ट्रिक्ट एक्शंस होना चाहिए अगेंस्ट द रेकलेस ड्राइवर्स जो क्या एक्सीडेंट सीन को छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब अब देखो क्या करते हैं ना, मेनली एलिगेशन जो है ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर भी है, वो क्या बोलते हैं दैट ट्रक ड्राइवर्स जब ट्रक चलाते हैं तो दारू पी के चलाते हैं तो वो लोग कोई देखते नहीं है, उन लोग को तो काम रहता है ट्रक चलाना, राइट। तो सामने कौन आ रहा है किसको ठोक के भाग जाता है वो कोई भी रुकते नहीं है, सीधा भाग जाता है वो, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा यू नो यहाँ पे हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रहा है। ना सवाल हो रहा है इस चीज़ के लिए ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर तो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं देखो भाई हम हमारी कमाई कितनी है, हमारी कमाई तो मुश्किल से 2-3 लाख रुपए कमाई होती है, राइट। ऊपर से यहाँ पे कितना फाइन लगा है 7 लाख रुपया, देंगे कहाँ से भाई, मतलब अपना किडनी बेच के देंगे का, है। तो सवाल होता है सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है द गवर्नमेंट ने टॉक्स कर रहे हैं विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और प्लान कर रही है टू इम्प्लीमेंट द ये अभी जो हम लोगों ने भारत न्याय संहिता हम लोग बोल रहे हैं भारत ने कंसल्टेशंस के बाद ही कर रही है, राइट। नाउ मतलब पहले तो बात करेगी उसके बाद ही कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। और ये जो इशू क्वेश्चंस है ना वेदर द लॉ शुड इंक्रीज जेल टर्म्स फॉर द एक्सीडेंट्स एंड एम्फसाइज द नीड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंशन पॉलिसीज और नॉट, दैट इज स्टिल टू बी सी, राइट। अभी अभी चीज़ें बात चल रही है दैट इज मतलब
जेल का टर्म इंक्रीज करना है क्या नहीं, क्या करना है, कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंशन पॉलिसी बनाया जा सके, ये सब चीज़ें बातें चल रही हैं। नेक्स्ट, द हिंदू का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल आप बोल सकते हैं। कभी भी अगर हेल्थ इश्यूज आए ना, दैट हाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ओबेसिटी, शुगर, ये सब बढ़ रहा है, तो उसको करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे आर्टिकल में बोला गया 20-30% ऑफ द हेल्थ टैक्स ऑन फूड इज हाई इन शुगर। एक स्टडी कमेंस किया गया था बाई नीति आयोग, इन्होंने रिकमेंड किया है दैट इम्पोजिंग अ हेल्थ टैक्स ऑफ 20-30% इन एडिशन टू GST ऑन फूड हायर इन शुगर, सॉल्ट या फिर फैट एज वेल एज शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। मतलब इस रिपोर्ट में बोला गया है दैट हेल्थ टैक्स इम्पोज करना चाहिए 20-30% तक और एडिशनल टू GST, और वो भी किस टाइप के फूड्स में, वैसे फूड्स जिसके पास बहुत ज़्यादा शुगर या फिर सॉल्ट या फिर फैट हो, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सट्रीम फैट्स होती है, क्या है, चीनी का शरबत ही तो है वो, उस पर 20-30% टैक्स लग जाएगा। जैसे अभी एक कप बोतल का दाम कितना होता है, 40 रुपये, है ना, अब 40 का 20% कितना हुआ बताओ, 8%, 8 रुपये, मतलब आपको जो 40 का बोतल अभी मिलता है ना, है ना, 20-30, अगर सोचो 10 रुपये भी बढ़ गया तो कितना, 40 का 50 रुपये हो जाए। कैन यू इमेजिन दिस। तो द स्टडी इज फंडेड बाई यूनिसेफ, ये स्टडी को फंड किया गया बाई यूनिसेफ, और इसका एम है टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज जो क्या प्रमोट करती है हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, और रिसर्च ये सजेस्ट करती है दैट सच टैक्सेस कुड लीड टू अ 13-18% ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ शुगर इन बल्क परचेस। शुगर का भी डिमांड घट जाएगा, और इंडिया अगर देख लीजिएगा, यस इट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर ग्लोबली, और यस बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, क्योंकि ओबेसिटी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है, शुगर वन ऑफ द मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि इंडियन पॉपुलेशन को हिट करता हुआ दिख रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर ऑब्जर्व, राइट। इनफैक्ट ये जो स्टडी किया गया था, इसमें बहुत सारे कंट्रीज को भी स्टडी किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इस टाइप के कानून को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे देख लीजिएगा मेक्सिको, चिले, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने ये किया है। इनफैक्ट एक जगह स्टडी किया गया था, वहाँ पे सर्वे किया गया, तो उसमें 79% सिटीजन ने फेवर किया था इस टाइप के टैक्सेस को। तो सोच लो, लोगों को भी चाहिए दैट हाँ सरकार इस टाइप के टैक्सेस लगाए जिससे हमारे बच्चे लोग फालतू का खाना सब खाना बंद करें, राइट। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन, ये है क्या, ये कोई साइक्लोन है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ये साइक्लोन नहीं है, ये इंडिया और UAE का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, है ना, जो कि 2nd से 15 जनवरी 2024 में राजस्थान में कंडक्ट हो रहा है। सो इंडिया हैज ऑल्सो बीन रेगुलर पार्टिसिपेंट ऑफ बायनियल इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो कि अबू धाबी में भी हो रहा है, बट अभी हम लोग एक्सरसाइजेस के बारे में नाम देख लेते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में नाम जो कि इंडिया UAE के बीच में होता है, जैसे डेजर्ट साइक्लोन, है ना, जिससे क्या यू नो सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में प्रॉपरली इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस किया जाए। वैसे तो कुछ भी ले लीजिए, वो डेजर्ट फ्लैग ले लीजिए, जायद तलवार ले लीजिए, या फिर इंडिया UAE बायलेटरल एक्सरसाइज ले लीजिए, मेन जो एम है वो क्या है, दैट दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी सिनर्जी को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके, जिससे ट्रेनिंग भी इनहांस हो, और जो भी जैसे इंडिया UAE बायलेटरल एक्सरसाइज ही ले लीजिए, काउंटर टेररिज्म और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के लिए काम किया जाता है, राइट। तो देखो अलग नाम अलग अलग है, इसका फोकस अलग अलग है, राइट, बट हाँ इंडिया और UAE जो है इंगेज मिलिट्रली जरूर कर रहे हैं। किस किस के थ्रू कर रहे हैं, इन एक्सरसाइजेस के थ्रू कर रहे हैं, याद रहेगा, समझ लो, कभी भी अगर इंडिया UAE का रिलेशंस आ जाए तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिलेशंस है, कैन वी से दैट दीज आर द रिलेशंस, यस एब्सोल्युटली। विद दिस आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपके सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।